जो किनारी है उसको कट इन कर देना है। उसके बाद में ऊपर से एक निशान लगा करके और 2 इंची डाउन कर देना है। 2 इंची डाउन करने के बाद में सीधा निशान लगा देना है, ये शोल्डर का निशान हो गया। उसके बाद में छाती का निशान लगाना, अगर 2 इंची छोड़ करके लगा रहे हैं तभी सही है, और नहीं तो नीचे के मार्क के ऊपर से निशान लगा दीजिए। क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से मैं बताया हूँ कि कौन साइज में कितना मुंडा रखना है, ठीक है, बहुत ही आसान आसान तरीके से मैं फार्मूला बताया हूँ। तो अगर आपको मुंडा कटिंग में कोई प्रॉब्लम आ रहा था, आप मेरा वीडियो देखें जो इसका मैं फार्मूला बताया हूँ, तो आपको काफ़ी सारा वो आसान कर देगा। उसके बाद में गला का छठा भाग करके निशान लगाते हैं। पहले आगे से 2.5 इंची निशान लगा देंगे जो आपका पट्टी के लिए होगा, कच पट्टी बटन पट्टी के लिए। उसके बाद में गला का छठा भाग करके गले का 3 इंची निशान लगा देंगे और शोल्डर का निशान लगा देंगे। जितना शोल्डर है उससे 1/2 इंची ज़्यादा करके निशान लगा देंगे। उसके बाद में आपका 40 हो गया, 36 हो गया, 38 हो गया, उसका 4 भाग करेंगे। उसके बाद में 1.5 इंची जितना, 1.25 इंची जितना लूजिंग रख देंगे अगर फिटिंग चाहिए तो। अगर फिटिंग नहीं चाहिए तो आपको 2.5 इंची 2.25 इंची लूजिंग रखना है जो नॉर्मल फिट में है, और फिटिंग में 1.25 इंची और 2 इंची होता है। ये 4 भाग करने के बाद में कमर में भी निशान लगाते हैं। अगर हिप का नाप नहीं है तो सेम छाती जितना रख देंगे वो भी हो जाएगा। और यहाँ से 2.5 इंची का निशान लगा देंगे। अब ये सीधा स्केल शोल्डर का निशान लगाएंगे। उसके बाद में ये सीधा स्केल आर्मोल का, कुश्ती का, और ये छाती का है। आपको मैं बताता हूँ कि स्केल जो है ना, स्केल रखने का भी तरीका होता है। स्केल भी आप पूरा हिसाब से रखें, स्केल कौन सा किस जगह पे आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसको भी अपने ध्यान में देखना है। उसके बाद में नाम नाप लेना है, नाम आपका ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है। उसके बाद में आपको कटिंग करना है। ऐसा ना हो कि आप नाम नाप लिए आपका ज़्यादा आ रहा है और कटिंग कर दिए छोटा आ रहा है, तो इसलिए आप पूरा उसको परफेक्ट तरीके से नाप करके फिर कटिंग करिए। अब ऊपर से रखे या 2 इंची डाउन किए उसके बाद में रखे। मैं इसका बहुत ही आसान आसान तरीके से मैं बताया हूँ कि आपका मुंडा कटिंग जो है ना एकदम आसान तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। क्योंकि मैं फार्मूला ऐसा बना बताया हूँ ना कि कोई ऐसा फार्मूला नहीं बताया, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है लेकिन वो पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, बाद में पूछते हैं कि यार ये किस तरह किया, कैसे किया। आप पूरा वीडियो देखेंगे तब ना आपको पता लगेगा। आप हाँ आधा देखते हैं, आधा में छोड़ देते हैं, तो कैसे पता लगेगा। आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं 3 बार देखें, उसके बाद में आप फिर मुझे कमेंट करें कि आपका वीडियो जो है कैसे लग रहा है। मैं आपको ये वीडियो इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि कपड़ा कटिंग जो करने का तरीका जो होता है ना, उसके लिए भी ज़्यादा करके बता रहा हूँ कि सामना कटिंग कहाँ पे करना है, बैक कटिंग कहाँ पे करना है, बाजू कैसे करना है, तीरा कैसे कटना है। इसलिए ये मैं सब वीडियो बता रहा हूँ इसमें ज़्यादा करके, से आप कपड़ा बिछाने का तरीका देख ले, कटिंग करने का तरीका देख ले। आपको ये बहुत ही आसान आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। अब जो सामना कटिंग कर लिया उसके अब आगे से आप बैक कटिंग करेंगे, ठीक हो गया ना। और पूरा कपड़ा खड़ा होना चाहिए, आड़ा नहीं होना चाहिए। साढ़े 2 इंची का पट्टी लगाए हैं। अब यहाँ से आप बैक कटिंग कर लेंगे कितना आसान तरीके से।
वो हाफ इंची आगे की तरफ करके फिर वो कटिंग करेंगे। ऐसे में नए आदमी जो होते हैं ना, नए आदमी के लिए बहुत ही आसान होता है, बहुत ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि मैं यहाँ पे क्या काटूँ, यहाँ पे क्या काटूँ, इसके आगे में क्या काटूँ। उसके लिए जो है ना, ये बहुत ही आसान होता है। जैसे मैं अपना फीलिंग मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत परेशान होता था पहले कोई चीज़ कटिंग करने के लिए ना। देखिए, हिसाब जो है, हिसाब आप खुद निकाल लेंगे, लेकिन बिछाने का, मार्क लगाने का तरीका जो होता है ना, वो चीज़ मेन है आपका। ठीक है, हिसाब तो थोड़ा लूज टाइट करके आप कटिंग कर लेंगे, लेकिन मेन हो गया आपका बिछाने का और कटिंग करने का तरीका जो होता है ना, ये सबसे बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि मैं भी कटिंग सीखा हुआ हूँ, तो मैं भी सीखा हुआ था, तो वो सीखने का टाइम में मुझे भी बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो रहा था। आपको कोट का कटिंग जो करने में भी प्रॉब्लम ये होता था कि कपड़ा बिछाने का जो तरीका है ना, वो मैं भूल जाता था। उसके बाद में कटिंग कहाँ पे बाजू लेना है, कहाँ पे पॉइंट लेना है, कहाँ पे बैक लेना है, कहाँ पे, ये सब चीज़ जो है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल कर देता है। इसलिए ये सब चीज़ को आपके ध्यान में रखने के लिए इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ, ताकि आपको पूरा एक एक चीज़ बता सकूँ। इसमें कौन सामना कटिंग करने के बाद में बैक कटिंग कर लिए, बैक कटिंग करने के बाद में आपको बाजू कटिंग कर लिए, बाजू कटिंग करने के बाद तीरा कटिंग कर लिए, तीरा कटिंग करने के बाद में आपने इसमें खर्चा किधर कितना रखना है, और ख़र्चा रखना है तो कहाँ से रखना है। इसलिए ये मैं वीडियो बनाया हूँ, तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, तो आप लोगों को बहुत ही इजी होगा। मेरा और भी वीडियो देखेंगे तो मैं इसलिए पार्ट पार्ट को, अभी देखिए नए नए में ना पार्ट पार्ट लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको समझ में उस चीज़ को है ना, वो पकड़ नहीं रहा है। लोग जो चीज़ के लिए मैं बना रहा हूँ पार्ट पार्ट है ना, वो चीज़ के लिए लोग पकड़ नहीं रहा है। वो चीज़ खाली यार ऐसे ही बना दिए हैं पार्ट पार्ट वर्ग, कुछ ये पार्ट में है, कुछ ये पार्ट में, उनको समझ में नहीं लग रहा असल में है। असल में समझाने का मतलब ये है कि आप एक चीज़ बना रहे हैं, उनको देख रहे हैं, तो एक चीज़ आप जैसे शुरू कोई करेंगे तब फर्स्ट पार्ट में देख लेंगे, यार यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट हो गया। दूसरा का भाग में आप देखेंगे कि यार यहाँ से यहाँ तक ये हो गया। तीसरा भाग में इसी तरह आपको पार्ट पार्ट दिखाने का मकसद यही होता है। उसके बाद में आपको मैं ज़्यादा कटिंग इसलिए डालता हूँ, क्योंकि आप साइज़ के देख करके कटिंग कर सकते हैं। कोई 40 साइज़ हो गया, कोई 30 साइज़ हो गया, कोई 42 साइज़ हो गया, कोई 46 साइज़ होगा, तो इसके हिसाब से आप मेरा कटिंग भी फॉलो कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से सीख भी सकते हैं। उसके बाद में देखिए बाजू कटिंग कैसे करते हैं, बहुत ही आसान आसान तरीके से मैं बताता हूँ, तो इसलिए आप पूरा वीडियो देखेंगे तब भी आपको मालूम चल सकेगा। क्योंकि आप थोड़ा सा देखेंगे उसके बाद में आपको नहीं देखेंगे तो आपको पूरा मालूम नहीं चलेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा करके आप पूरा वीडियो देखें, और कपड़ा बिछाने का तरीका भी देखें, और कटिंग करने का तरीका भी देखें, ताकि आपको पूरा चीज़ मालूम चल सके एक से एक। तो आप सब मेरा चैनल से जुड़े रहें, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो अपडेट करो तो नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले देखें। तो मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों से इस वीडियो में भी कुछ सीखने को मिलेगा, बिछाने का तरीका, कटिंग करने का तरीका। तो इसका आप तीरा कटिंग करके बताऊँगा, तो आप देखिए शुरू से लास्ट तक देखिए। और भी मेरा वीडियो है कोट पैंट का, वेस्ट कोट का, सफारी का, शेरवानी का, तो बहुत ही आसान आसान तरीके से मैं कटिंग किया हूँ, फुल फुल कटिंग करके रखा हूँ, पार्ट पार्ट कटिंग करके रखा हूँ, तो आप देखेंगे तो पूरा आपको मालूम चल सकेगा। बहुत ही आसान आसान तरीके से मैं बताया हूँ, तो आप देखें और फिर मेरा चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं इसी तरह वीडियो बनाता रहूँगा, तो क्या पता कोई आप लोग काम के लिए कोई वीडियो बन जाए, ताकि आप लोग कोई उससे आप फ़ायदा उठा सके। इसलिए आप इसको देखें पूरा वीडियो, और मुझे सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करेंगे तो और भी मैं वीडियो बनाऊंगा, और भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप सबके लिए बहुत ही आसान आसान तरीके से मैं बता दूंगा। तो आप सब प्लीज़ पूरा पूरा वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें,
और मेरा चैनल को तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। प्लीज़ प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। और आप सब मुझे पहचानते हैं, पहले वाला मेरा चैनल बंद हो गया इसलिए मैं नया चैनल खुलाऊँ, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है आप सब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन को दबा दें।